आइए जानते हैं मोरपिन का जो चार्ट पैटर्न है वो हमें क्या बताता है। तो चार्ट पैटर्न को हम देखें तो चार्ट पैटर्न में जो शेयर का प्राइस है वो अभी हमें यहाँ से बुलिश होता हुआ दिखाई देता है, एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है शेयर के अंदर, और ये अप ट्रेंड को हमें जाता हुआ दिखाई देता है। अगर हम इसके सपोर्ट लेवल को देखते हैं तो सपोर्ट इसका है 27 रुपीज का और दूसरा सपोर्ट है 27.65, और शेयर अभी अपने सपोर्ट से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 30.50 रुपीज के आसपास शेयर का रेसिस्टेंस लेवल है। मोरपिन लेबोरेटरीज लिमिटेड एक जानी मानी कंपनी है जो NSE और BSE दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। कंपनी का मार्केट कैप्चरिंग है 1492.71 और 52 वीक के हाई और लो को देखते हैं तो 52 का जो शेयर का हाई प्राइस है 48.4 और लो है 23.65, यानी कि अभी जो शेयर प्राइस है अपने लो के आसपास ही चल रहा है। जो शेयर का प्राइस लो प्राइस था वो 23.65 है और अभी शेयर का प्रेजेंट प्राइस है 29.20। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम हमें शेयर के प्राइस में देखने को मिलते हैं। तो एक कंपनी जिसके अंदर वॉल्यूम बहुत हाई है, एक पेनी स्टॉक जो कि अब आगे बहुत तेजी से भागने की और तैयारी कर रहा है। अगर हम शेयर के पी रेशो को देखते हैं तो पी रेशो है 30.50, अर्निंग पर शेयर है 0.9, सेल है 336.52 करोड़ और फेस वैल्यू है शेयर की 2 रुपए की। पिछले 3 मंथ्स में कंपनी ने 16.57% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस को अगर देखते हैं तो पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस में शेयर का प्राइस 23 दिसंबर को लास्ट ईयर 42.65 हाई गया था, लेकिन जो शेयर का प्राइस है वो काफी उतार चढ़ाव रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं तो पिछले दिसंबर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि जो शेयर का प्राइस है वो अपने 50 DMA और 200 DMA दोनों से ही नीचे ट्रेड करता रहा है ओवरऑल। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जो शेयर का प्राइस है वो अपने 50 DMA को क्रॉस करके ऊपर चला गया है और ऑलमोस्ट 200 DMA के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो प्रमोटर्स का कंपनी में 38.22 का शेयर है, FIIs का इसमें 0.96। अगर हम देखते हैं FIIs का तो FIIs ने इसमें धीरे धीरे अपना शेयर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। अगर दिसंबर 22 को देखते हैं तो 0.89% था, जो बढ़कर के मार्च 23 में 0.96 हो गया है। DIIs का इसमें 2.93 और जनरल पब्लिक का अदर का 57.88% का कंपनी में शेयर होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग को अगर हम चार्ट पैटर्न से अगर हम देखते हैं तो शेयर होल्डिंग के अंदर तो टोटल प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग है 38.22, FIIs का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है 0.96, अदर पार्टीज का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है 1.88, इंश्योरेंस कंपनी ने भी इसमें 1.06 का इन्वेस्टमेंट किया है और नॉन इंस्टीट्यूशनल का 57.88% का इसमें शेयरिंग का होल्डिंग है। मोरपिन लेबोरेटरी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा बहुत हमें सुधार देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर्स में भी उतार चढ़ाव काफी देखने को मिलते हैं, इनकम भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है मार्च 23 के अगर क्वार्टर को देखते हैं तो, और प्रॉफिट मार्जिन भी प्लस में है। आइए जानते हैं मोरपिन का जो चार्ट पैटर्न है वो हमें क्या बताता है। तो चार्ट पैटर्न को हम देखें तो चार्ट पैटर्न में जो शेयर का प्राइस है वो अभी हमें यहाँ से बुलिश होता हुआ दिखाई देता है, एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है हमें। एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है शेयर के अंदर और ये अप ट्रेंड को हमें जाता हुआ दिखाई देता है। अगर हम इसके सपोर्ट लेवल को देखते हैं तो सपोर्ट इसका है 27 रुपीज का और दूसरा सपोर्ट है 27.65 और शेयर अभी अपने सपोर्ट से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम रेसिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो रेसिस्टेंस लेवल इसका है 30.50 रुपीज के आसपास शेयर का रेसिस्टेंस लेवल है और अभी शेयर्स अपने रेसिस्टेंस लेवल से नीचे 29.20 पर क्लोज हुआ था। RSI की बात करते हैं तो RSI इस समय शेयर का है 66.90
अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जो मोरपेन लेबोरेटरी लिमिटेड है एक जानी मानी कंपनी है जो वाइड रेंज ऑफ एपीआई में प्रोडक्शन करती है, मार्केटिंग का काम करती है, और बहुत सारी कंपनीज में इसका कंपनी एक्सपोर्ट करती है। 82 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये शेयर अभी एक पेनी स्टॉक है, और जो फ्यूचर में फार्मा का शेयर बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मोरपेन लेबोरेटरी में अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस समय इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट बनता हुआ हमें दिखाई देता है वो है 33 रुपीज 50 पैसे का। उसके बाद जो सेकंड इसका शॉर्ट टर्म टारगेट आता है वो हमें आता है 34 रुपीज 50 पैसे का। और आप इसके अलावा यदि इसमें लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं शेयर्स में, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको एक बहुत बड़ा शेयर रिटर्न दे सकता है। ये शेयर जो अभी हमें एक पेनी स्टॉक है, ये हमें भविष्य में एक बहुत बड़ा रिटर्न हमें आता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय यदि आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें लंबे समय तक बने रहते हैं तो इसमें आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस शेयर के बारे में और उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, तभी आप उसमें अपना निवेश करें और अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट को भी आप निर्धारित कर लें। यहाँ पर मैं आपको इस शेयर को बाई करने की सलाह देता हूँ। यदि आप शॉर्ट टर्म का इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको आसानी से 33 रुपीज 50 पैसे का रिटर्न मिल सकता है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।